आज आम आदमी पार्टी के पहली बार में ही चंडीगढ़ चुनाव जीत जाने की खुशी में रोहतक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवानी स्टैंड पर लड्डू बांट में डांस कर खुशी जाहिर की गई। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा बोले कि आगामी 5 प्रदेशों के चुनाव में निश्चित तौर पर ही आम आदमी पार्टी की जीत होगी। कार्यकर्ता भिवानी स्टैंड के इस ऐतिहासिक चौराहे पर चंडीगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई आम आदमी पार्टी की जीत में लोगों को मिठाइयां बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं लवलीन टुटेजा प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी आज बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं हम सब लोग कि अब इस देश की जनता आडंबरवादियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। दिल्ली जो राजधानी है इस देश की, उसमें भी केजरीवाल है और हरियाणा की राजधानी में भी केजरीवाल है। आज चंडीगढ़ की जनता ने जिस प्रकार का विश्वास आम आदमी पार्टी पर दिखाया है, निश्चित तौर पर चंडीगढ़ के विकास का एक माइलस्टोन जनता चंडीगढ़ की जनता ने लिख दिया है और आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव में निश्चित तौर पर इस देश की जनता आम आदमी पार्टी की सरकारें बनाएगी और विकासवाद की राजनीति को बढ़ावा देगी। तो लवलीन जी, कल जो रोहतक में हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के इलेक्शन हुए, उसमें जो फर्जीवाड़ी के इल्जाम लगाए गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सोच छल बल करके किसी तरह भी सत्ता, उसी तरह कोई भी कॉलेज, किसी तरह के संस्थानों को अपने कब्जे में लेने पर जुटी हुई है। उनको अपनी सरकारें जाती दिखाई दे रही हैं। आज हर जन उनसे दुखी है। ये आदरणीय डॉक्टर मंगल सेन की समाज के लिए बनाई एक धरोहर थी, आज उसी धरोहर को कुछ नेता लूटने में, कब्जा करने में लगे हैं। परंतु समय आने पर इस रोहतक की जनता उन्हें जवाब देगी और इस कब्जाधारियों को, दबंग लोगों को इस प्रदेश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। सर, चुनाव में रैलियां तबाह क्यों हो रही है? चुनाव प्रचार जोर क्यों हो रहा है जबकि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भाजपा का एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जब भी चुनाव आने लगे तो कर्फ्यू लगा दो और दलों को चुनाव प्रचार से रोको। मोदी जी जहाँ जाते हैं हजारों की भीड़ होती है, परंतु कोई और राजनीतिक दल करे तो उसके लिए कर्फ्यू है। ये ऐसे गंदे राजनीतिक हथकंडे लगाकर रोक नहीं सकते विकासवादी राजनीति को या आडंबरवादी लोगों को। अब देश की जनता जवाब देगी। सर, यूपी में चुनाव है, वहाँ पर 200 करोड़ रुपये कैश मिला है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? 200 करोड़, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, ये भाजपा छल बल और पैसे का खेल रचकर इस देश की राजनीति को हथियाना चाहती है, इस देश की सत्ता को हथियाना चाहती है। अभी पीछे जिस प्रकार का माहौल इन्होंने अनेकों राज्यों में बनाने की कोशिश की, गोवा जैसी जहाँ बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था और दलों को तोड़कर इन्होंने सरकारें बनाई। अब देश की जनता विकासवाद को बढ़ावा देना चाहती है। जब भी चुनाव आता है इस देश के प्रधानमंत्री भगवा और टीका लगाकर देश की जनता को बलगलाने लगते हैं। मुझे लगता है अगर देश में धर्म का ही प्रचार करना है तो इस देश में संतों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकारों का काम तो विकास करना है, ना कि भगवा डालकर देश के लोगों को पागल बनाना।